आज हम आलू गोभी मटर के सब्जी बनाएंगे। उसके लिए 200 ग्राम आलू लिए हैं, आलू को कट कर लिए हैं। 200 ग्राम गोभी लिए हैं, इसे भी कट कर लिए हैं। आप अपने पसंद से बड़ा छोटा काट सकते हैं। 2 प्याज लिए हैं, इसे भी बारीक काट लिए हैं। 50 ग्राम हरा मटर लिए हैं। 2 टमाटर लिए हैं, इसे भी काट लिए हैं। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिए हैं। सब्जी बनाना हम शुरू कर लेते हैं। सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई लिए हैं। कढ़ाई गर्म हो गया है, इसमें तेल डाल लेंगे। आप अपने पसंद के कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम गोभी को फ्राई कर लेंगे। गोभी को अच्छे से 3 से 4 मिनट फ्राई कर लेंगे। गोभी को फ्राई करते हुए 4 मिनट हो गया है, गोभी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसे निकाल लेंगे। इसी में आलू फ्राई कर लेंगे। आलू को भी 3 से 4 मिनट फ्राई कर लेंगे। आलू को भी फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हो गया है, इसे भी निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में और तेल डाल लेंगे। 2 तेज पत्ता डाल लेंगे, 2 लाल मिर्च डाल लेंगे, 1 छोटा चम्मच जीरा डाल लेंगे। बारीक कटा हुआ प्याज डाल लेंगे। प्याज को 1 से 2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज फ्राई हो गया है, अब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे। मटर डालेंगे। मटर हम हरा यूज किए हैं, इसीलिए इसे अभी ही डाल देंगे ताकि अच्छे से पक जाए। मटर को 2 मिनट फ्राई कर लिए हैं, इसमें अब टमाटर डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे। नमक हम अभी ही डाल लेंगे ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। देख सकते हैं कि टमाटर पहले से बहुत ज़्यादा गल गया है। अब इसमें हम सारे मसाला डाल लेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा सूखा लगे तो आप अभी ही थोड़ा पानी डाल लें ताकि मसाला अच्छे से भून जाए। Thank you.
देख सकते हैं कि मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इसमें गोभी आलू डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे ढक देंगे। इसे ढककर लो फ्लेम पर 6 से 7 मिनट तक पका लेंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। इसे ढककर पकाते हुए 8 मिनट हो गया है। देख सकते हैं कि सब्जी अच्छे से सीज गया है, अच्छे से कट जा रहा है। अब हम इसके ऊपर से हरा धनिया पत्ता डाल देंगे। धनिया पत्ता डालने के बाद गैस बंद कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जी को प्लेट में निकाल लेंगे। सब्जी को हम प्लेट में निकाल लिए हैं। देख सकते हैं कि बिल्कुल ही रेस्टोरेंट की तरह बना हुआ है। आप इसे रोटी चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। आप भी इसी तरह से बनाइए और मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिए कि कैसा बना। आगे आप कौन सा रेसिपी देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में शेयर कीजिए। मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।